Assalamualaikum friends, welcome to the week 12 lecture of advanced object oriented programming. आज lecture का हमारा topic है कि GUIs किस तरह काम करती हैं, जावा में GUIs होती क्या हैं, GUIs जो होती हैं हमारे पास graphical user interface होती हैं जो कि हम create करते हैं अपनी application जब हम develop करें हों जावा में, क्या उसका इंटरफेस है, किस तरह वो एप्लीकेशन यूज़र को नज़र आएगी, वो किस तरह से जावा में काम करेगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, ये कहाँ से हमारे पास आती है, जावा की डिफरेंट जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंदर हमारे पास GUIs की बिल्ट इन क्लासेस पड़े हुए हैं, हम वो अनबोर्ड करा के अपने GUIs जो है वो देख रहे हैं। java.awt एंड java.swing का जो पैकेट है वो जावा के एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के लिए यूज़ होता है, जो कि जावा फाउंडेशन क्लास और जावा 1.1 वाले यूज़ करेंगे। आप विंडो किस तरह क्रिएट होती है, यानी कि एक ये विंडो जो है, ये जो बॉक्स है, ये किस तरह आप जावा में क्रिएट कर सकते हैं, java.aw पैकेज के थ्रू आप ये क्रिएट करते हैं, और जे फ्रेम की क्लास जो है java.swing उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब जो AWT वाली क्लास है उसमें आपके पास बॉर्डर जो ये साइड पे टाइटल्स बार जो ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, मगर java.swing वाली जो क्लास है उसके अंदर आप ये बॉर्डर और ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करके अपनी विंडो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जावा के जो लैंग्वेज का पैकेज है java.aw पैकेज और java.swing का जो पैकेज है वो जे फ्रेम सपोर्ट करा है java.swing के पैकेज को, और फ्रेम और विंडोज़ और कंटेनर्स और कंपोनेंट्स जो आपने क्रिएट करने होते हैं वो java.awt वाली क्लास में पड़े, और ऑब्जेक्ट जो सिंपल आपने क्रिएट करने हैं लगाने हैं अपने इंटरफेस पे वो कहाँ पड़े हैं java.lang के पैकेज के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, अब कंपोनेंट में हमारे पास कौन सी सारी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स में हमारे पास चीज़ें होती हैं, डिफाइन अ कंपोनेंट विच इज एन एंटिटी दैट कैन बी डिस्प्लेड सच एज द बटन और स्क्रोल बार, जो ये जो स्क्रोल बार है जो बटन है वो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। कंटेनर वो फील्ड यानी कि ये बॉक्स यहाँ पर आप अपनी मेन विंडो में जो भी चीज़ें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और विंडो जो है ये आपकी क्रॉस मैक्सिमल और मिनिमल वाले सिंपल, ये आपकी पूरी जो विंडो है ये उसका आउटर बॉक्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। फ्रेम जो है वो टाइटल बार और बॉर्डर बताती है, और ये फ्रेम जो है वो आपका फ्रेम बताता है विंडो का कि वो कितना फ्रेम होगा, और 50-30% पे 30-70% पे आपने जो है वो फ्रेम क्रिएट करना। ओके, सब कंपोनेंट आप क्या हैं आपकी क्लासेस के, जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंपोनेंट हैं, और कंटेनर क्लास के कंपोनेंट, आप कंटेनर में पैनल बना सकते हैं, एप्लेट्स बना सकते हैं, विंडोज़ बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं, ये कंपोनेंट बना सकते हैं, डायलॉग बॉक्सेस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरफेसेस में क्रिएट कर सकते हैं। आप जे फ्रेम, जे विंडो, जे डायलॉग, जे एप्लेट, ये वन बाय वन आप रीड कर लेंगे कि इनके आगे क्या डिटेल रखी हुई है। ओके, फर्स्ट वन इज़ विंडो पेन, हम विंडो पेन की तरफ आ जाते हैं। जो विंडो पेन है वो हमारे पास एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है विंडो का एरिया, यानी कि विंडो का कितना एरिया होगा, ये पूरी एक कंप्लीट विंडो है तो उसका क्या एरिया होगा। दे कम इन दी सेवरल डिफरेंट टाइप डिफाइंस इन दी जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज, जावा एक्स डॉट स्विंग का पैकेज है, उसके अंदर हमारे ये आते हैं कंटेंट पेन भी आते हैं और विंडो पेन भी आते हैं, सारे के सारे जे फ्रेम की क्लास से आ रहे थे। ओके, कंपोनेंट क्लास में हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि कंपोनेंट की पोजीशन क्या होगी, कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, उसका साइज़ क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या रख सकते हैं, फॉन्ट क्या रख सकते हैं, कर्सर क्या रख सकते हैं, विजिबल होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, वो एम्बेडेड होना चाहिए या एम्बेडेड नहीं होना चाहिए। आप कंपोनेंट के अंदर मेथड भी रख सकते हैं, हम अपने कंपोनेंट का नाम भी सेट कर सकते हैं, उसको विजिबल भी कर सकते हैं, उसको अनेबल भी कर सकते हैं, उसको अनविजिबल भी कर सकते हैं, और उसको सेट भी कर सकते हैं उसकी विजिबिलिटी, और उसकी विजिबिलिटी अनेबल भी कर सकते हैं। साइज़ और पोजीशन किस तरह आप कंपोनेंट की मैटर करती है, पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन java.awt.point की क्लास, ये जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के थ्रू आप विंडो के पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि 5 pixels पे, 10 pixels पे, कितने pixels पे। java.awt.dimension से आप अपनी डायमेंशन सेट कर सकते हैं, फिर 5 mm की मार्जिन रखनी है, 10 mm की, जो भी आप अपनी पोजीशनिंग सेट करना चाहते हैं उसे। साइज एंड पोजीशन टुगेदर बाय द रेक्टेंगल क्लास से भी आप उसको गेट कर सकते हैं। डायमेंशन क्लास के लिए आप डायमेंशन से गेट साइज कर लेंगे, डायमेंशन से गेट साइज करके उसकी डायमेंशन आगे पास भी करा सकते हैं, लोकेशन भी गेट कर सकते हैं, आप अपनी विंडो की रेक्टेंगुलर बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप बनाना चाहें अपने इंटरफेस, जितनी मर्जी उसमें डिज़ाइनिंग हो, जितने मर्जी उसमें कंटेनर्स हो, जितने मर्जी बटन हो, जावा हर एक चीज़ की फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। बेटे आप वन बाई वन मैथड रीड कर देंगे कौन सा मैथड किसके लिए यूज़ होता है। अब आप अगर साइज़ और पोजीशन चेंज करना चाहते हैं कंपोनेंट की, तो आप सेट बॉर्डर्स या सेट बाउंड्स पे जाके एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू दे देते हैं, विड्थ और हाइट दे देते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप कितनी विड्थ और कितनी हाइट रखते हैं, आपकी जो पेज की बाउंड्स हैं पूरी कंटेनर्स की वो सेट हो सकती हैं। रेक्टेंगल को सेट करना चाहते हैं आप, उसकी भी बाउंड सेट कर सकते हैं। आप डायमेंशंस कितनी डायमेंशंस पे रख के बनाना चाहते हैं ये बॉक्स, उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। लोकेशन आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किस एक्सिस पे बनाना चाहते हैं वहाँ पर भी रखिए आप
सेट कर सकते हैं। और ये सिंपल है कि क्रिएट हम कर रहे हैं विंडो, उसकी एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम की क्लास जो है वो इंपोर्ट करा ली। और हमने सबसे पहले क्या किया, हम एक विंडो की क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने रखा ट्राई विंडो। फिर इस विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जे फ्रेम आ विंडो, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आ विंडो, और हमने उसको विंडो का टाइटल पास करा लिया दिस इज न्यू विंडो। मेन में हम गए, हमने विंडो की विड्थ रखी 400, विंडो की हाइट रखी 150, विंडो की बाउंड सेट की 50 और 100, और विंडो की विड्थ और हाइट जो है वो हमने यहाँ पर से जो सेट की थी वो गेट कर ली। इसी तरह हमने उसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन रख दिया कि ऑन एग्जिट जैसे ही क्लिक करें क्लोज के बटन पे तो वो एग्जिट ऑन क्लोज हो जाए और उसकी विजिबिलिटी प्रूव कर दी कि हमें वो विंडो नज़र आए। तो हमारे पास इस पिछले कोड ने किस किस्म की आउटपुट दी है, इसने हमें इस किस्म की एक विंडो दिखाई, एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू हो उस विंडो की और वाई एक्सिस पे ये ही हमने डिफाइन किया है कि एक्स एक्सिस 50 होने चाहिए और वाई एक्सिस 100 होने चाहिए और विड्थ और हाइट उसकी 400 होनी चाहिए और 100 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक विंडो जो है वो क्रिएट हो गई। अब इस विंडो का नाम हमने क्या रखा था इस ऑब्जेक्ट में, दिस इज़ द विंडो टाइटल, ये यहाँ पर हमें इसका नाम वजह हुआ नज़र आ रहा है। और जब हमने कहा था कि इस क्लोज के बटन पर क्लिक करें, ये इस क्लोज के बटन पे क्लिक किया जाए, दे लिखा हुआ है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कि हमारे क्लोज ऑपरेशन जो है डिफॉल्ट जैसे उस पर क्लिक किया जाए वो बंद हो जाए। तो इस क्लोज वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये एक्चुअल आपकी पिछले प्रोग्राम की आउटपुट है। ओके, अब ये फंक्शन आगे लिखे हुए डिस्पोज ऑन क्लोज, डू नथिंग ऑन द क्लोज, हाइड ऑन क्लोज की डिफरेंट ऑपरेशन है, आप इसमें से कोई भी ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं। डिस्पोज करना चाहते हैं क्लोज के बटन को क्लिक करके, मैक्सिमाइज के बटन को, इसी तरह हर बटन के लिए डिफरेंट बाउंड्रीज हैं। ये आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डायमेंशन सेट कर सकते हैं, लोकेशन सेट कर सकते हैं अपनी विंडो को, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, व्हाट इज अ टूल किट, टूल किट इज अ मेथड ऑफ अ कंपोनेंट क्लास, गेट टूल किट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप टूल किट, जितनी भी सारी आपकी टूल्स इंफॉर्मेशन है कंपोनेंट की, फ्रेम की, जे फ्रेम की, वो सारी की सारी टूल किट से आपको मिल जाती हैं। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच द एप्लीकेशन रनिंग, या आपको एनवायरनमेंट की एप्लीकेशन देती है जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, और स्क्रीन के साइजेस जो हैं यहाँ पर आपको टूल किट में पिक्सल्स में सेट करने पड़ते हैं। ओके, हमने क्या किया है, जावा एक्सेस स्विंग का जे फ्रेम पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया और ए डब्ल्यू डी से टूल किट वाली क्लास भी इंपोर्ट कर ली और ए डब्ल्यू डी से डायमेंशन वाली क्लास भी इंपोर्ट करी, क्योंकि हमने पढ़ा कि टूल किट पर जब काम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट पिक्सल्स पर काम करेंगे और पिक्सल्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास डायमेंशन से आएंगी। हमने एक और विंडो की क्लास क्रिएट की, उसका नाम रखा ट्राई विंडो टू, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने उसका विंडो का टाइटल रखा, मेन में हमने टूल किट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसी तरह हमने डायमेंशंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब वन बाय वन हमने डायमेंशन के ऑब्जेक्ट के साथ और टूल किट के ऑब्जेक्ट के साथ जो है बाउंड्री सेट की, विड्थ विंडो का साइज सेट किया, उसकी विड्थ सेट की, उसकी हाइट सेट की, उसकी पोजीशन सेट की, और इसी तरह हमने डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन पे ऑन एग्जिट लगा दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो जैसे पीछे विंडो आएगी उसी तरह की आउटपुट आएगी, मगर उसमें चेंजेस जो हाइट और विड्थ हैं वो डिवाइडेड बाई 4 करके पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आएंगे। अब विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट भी आ सकते हैं, हम बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, कलर सेट करना चाहते हैं अपनी विंडो का, उसका फोरग्राउंड सेट करना चाहते हैं, फोरग्राउंड का कलर लाना चाहते हैं, कर्सर सेट करना चाहते हैं, उस विंडो के अंदर फॉन्ट किस किस्म का होना चाहिए और फॉन्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, कलर अगर आपने सेट करना है तो आपने उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर लेना है, कलर का मेथड यूज़ कर लेना है, कलर के फंक्शन के अंदर आपने 3 वैल्यूज़ पास कर देनी है, ये कलर्स डिफरेंट जो है ये 255 वाइट के लिए यूज़ होता है, 255 0 and 0 जो है वो रेड कलर के लिए यूज़ होता है। आप अब इनमें से कोई भी एक चीज़ पास करेंगे तो आपके पास विंडो का कलर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप किस तरह ये डिफाइन करना है, कोड उसका किस तरह लिखा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट दी विंडोज इन दी प्रीवियस एग्जाम्पल टू हैव अ पिंक बैकग्राउंड, जो हमने पीछे विंडो बनाई थी हम चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड पिंक आए, तो आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट सिर्फ ऐड कर देनी है उसी विंडो के ऑब्जेक्ट के साथ, ए विंडो डेट गेट कंटेंट पेन, कंटेंट पेन का मतलब कि जो भी आपका कंटेंट है उस पैनल पे आप किस किस्म का कलर लगाना चाहते हैं उस पेन पे आप लिखेंगे सेट बैकग्राउंड, हमने सेट बैकग्राउंड का फंक्शन कॉल किया और कलर डॉट पिंक लिख दिया। अब क्या होगा, वो जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उस कलर को ब्राइटर या डार्कर करना चाहें तो हम दिस कलर का ऑब्जेक्ट के साथ ब्राइटर या डार्कर का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो ब्राइटर या फिर डार्कर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कर्सर क्रिएट करना चाहते हैं तो जिस तरह हमारे पीछे हमने एक विंडो क्रिएट की उसी में आप क्या करेंगे, कर्सर की क्लास के साथ उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कर्सर डॉट टेक्स्ट कर्सर, कि आपके पास जो कर्सर बना आए वो यूं टेक्स्ट वाला कर्सर बनाए, ये उसको इम्पोर्ट करा देगा। अब डिफ़ॉल्ट कर्सर भी हो सकता है, क्रॉस हेयर कर्सर भी हो सकता है, वेट कर्सर भी हो सकता है, टेक्स्ट कर्सर भी हो सकता है, हैंड कर्सर भी हो सकता है, आप जो मर्जी इसमें से चाहें वो कर्सर क्रिएट कर सकते हैं।
अब ये एग्जांपल है जिसमें हमने अपनी विंडो का कलर भी सेट किया हुआ है और उस पर हमने कलर्स भी जो है वो सेट किया हुआ है। इसके लिए हमने टूल किट इम्पोर्ट किया, डायमेंशन इम्पोर्ट किया, कलर की क्लास इम्पोर्ट की और कर्सर की क्लास इम्पोर्ट की, क्योंकि हम ये दो चीज़ें नई ऐड करें। हमने सेम अपनी विंडो की क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और उन ऑब्जेक्ट्स में हमने बाउंड्री सेट की और उन बाउंड्री के अलावा जो न्यू चीज़ हमने ऐड की वो क्या सेट की, डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के बाद कर्सर सेट कर दो जी। कर्सर किस किस्म का सेट होना चाहिए, उसका क्रॉस हेयर कर्सर होना चाहिए और विंडो के कंटेंट पेन का कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। तो अब जो हमारे पास आउटपुट आई वो इस किस्म की आई जिसमें हमारे पास कर्सर भी आएगा, वो क्रॉस पेन का कर्सर होगा। जैसे ही आप इसमें मूव करेंगे, आप जब ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है। इसी तरह अगर हम फॉन्ट सेट करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो फॉन्ट है वो कैलिबरी में आए, टाइम न्यू रोमन्स में आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फॉन्ट की फैमिली बताते हैं सेरिफ, और फॉन्ट अटैलिक में होना चाहिए और उसका पिक्सल साइज़ कितना होना चाहिए। तीन चीज़ें बताते हैं, एक फॉन्ट फैमिली बताते हैं, एक उसकी स्टाइल बताते हैं और एक हम उसकी साइज़ बता देते हैं कि वो किस किस्म का होना चाहिए। इसी तरह अगर आप ग्राफिक्स अपने जावा के एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राफिक एनवायरनमेंट की क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और लोकल ग्राफिक्स जो भी आपने रखे हों, पिक्चर्स और कुछ भी ग्राफिक्स क्रिएट करके वो आप गेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ये एक एग्जांपल दी हुई है टूल किट की जावा की जिसमें हमने फॉन्ट गेट किया है, डायमेंशंस और ग्राफिक्स गेट की हुई है। आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसने लोकल ग्राफिक्स इंपोर्ट करा लिए हैं और फॉन्ट का नेम जो है वो इसने स्ट्रिंग में सेट किया कि मेरी फॉन्ट फैमिली जो है, जो भी अवेलेबल फॉन्ट फैमिलीज है उनमें से एक फॉन्ट फैमिली जो है वो मुझे डिस्प्ले करा दो। ओके, स्विंग के ये कंपोनेंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही लिखे हुए हैं कि जे लेबल का कंपोनेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट फील का भी हो सकता है, बटन, चेक बॉक्सेस, कम्बो बॉक्सेस, लिस्ट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी वेब पेज है उसके अंदर लिखा है सिलेक्ट योर जेंडर और जेंडर में मेरे पास रेडियो बटन्स बने आए कि उसमें मेल लिखा हो या फीमेल लिखा हो, तो वो भी आप गेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं लेबल लिखा आ रहा हो किसी चीज़ के साथ, प्लीज़ चूज़ दिस, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कहाँ से आपके पास सारी चीज़ें आती हैं, स्विंग कंपोनेंट्स में आते हैं। इसमें हमारे पास हर तरह के बटन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बटन होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, ये बटन होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, टॉगल बटन होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ करे होते हैं। कंटेनर किस में ये पड़ी होती हैं, सारी चीज़ें स्विंग के अंदर पड़ी होती हैं। अभी हमने एक एग्जांपल दी हुई है क्रिएटिंग अ स्विंग बटन, रेडियो बटन एंड टेबल। हम उसी क्लास में जो हमने पहले विंडो की क्लास की उसमें हम तीन चीज़ें और ऐड करें, एक स्विंग का बटन क्रिएट करना चाहते हैं, रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं और लेबल भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया और गेट कंटेंट पेन कर लिया, एक बटन क्रिएट किया जे बटन, माई बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, उसका नाम लिखाएगा माई बटन और उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया कंटेंट को माई बटन में। इसी तरह हमने रेडियो बटन बनाया और इसी तरह हमने लेबल दिया हाई का और वो सारी चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले होने शुरू हो गए। इसी तरह कंटेंट वाली क्लास में हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज एग्जिस्ट कर रही होती हैं जिसमें हम मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बटन क्रिएट कर सकते हैं, पॉपअप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, नीचे मेन्यू आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, बॉटम पे मेन्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स मेन्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी चाहे हम यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेन्यू आइटम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टॉप लाइन पे मेन्यूज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, जे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट बना के जो भी हम मेन्यू बार क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमने पास करा देंगे। इसी तरह मेन्यू आइटम है या चेक बॉक्स का मेन्यू आइटम बनाना चाहते हैं, रेडियो बॉक्सेस को मेन्यू आइटम आप बनाना चाहते हैं वो एज इट इज बना सकते हैं आप लोग। टेक्स्ट के भी मल्टीपल कंपोनेंट है, आपको एक एडिटर पेन चाहिए या आपको सिर्फ टेक्स्ट पेन चाहिए, टेक्स्ट के कंपोनेंट चाहिए, एक टेक्स्ट फील चाहिए यानी कि एक यूँ सिंपल टेक्स्ट फील चाहिए, या बड़ा साइज से लिखने के लिए टेक्स्ट फील चाहिए, या फिर आपको इस टेक्स्ट फील के लिए छोटा सा लेबल लिखने के लिए चाहिए। हाँ, आप वो कहाँ से गेट कर सकते हैं, टेक्स्ट पैनल से गेट कर सकते हैं। ओके, अब जे पैनल क्या है, जे पैनल क्लास डिफाइंस समथिंग लाइक अ फिजिकल पैनल दैट यू कैन यूज एज अ कंटेनर और अ ग्रुप सेट ऑफ द कंपोनेंट, जे लिस्ट कंपोनेंट और जे टेबल कंपोनेंट। अब इसमें आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स भी अगर आप चाहें अपने वेब पेज में क्रिएट करना तो वो किस क्लास के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जे पैनल थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब लेआउट मैसेजेस मैनेजर जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक पेज के अंदर किस तरह से है वो जो डिफरेंट कंपोनेंट नज़र आए। सपोज़ ये आपका पेज है, आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरा पेज बना है इसमें मुझे राइट साइड पे जो है वो सारी मेरी मेन्यूज लिखी हुई नज़र आए, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर टॉप पे मुझे यहाँ पर बैनर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, राइट साइड पे मुझे वीसी की पिक्चर नज़र आ रही हो, इसके लेफ्ट पे मुझे इमेजेस नज़र आ रही हुई, राइट एंड पे मुझे सारा फुटर नज़र आ रहा हो। ये कहाँ से होता है, ये लेआउट मैनेजर होता है कि आपने अपने पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना और दिखाना है।
लेआउट मैनेजर फॉर अ कंटेनर डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंटेनर। ये क्या कहता है, इसके जितने भी स्पेज के अंदर कंपोनेंट ये 10-12 जो मैंने बनाए वो किस तरह सेट होंगे वो मैनेज कौन करता है, हमारा लेआउट मैनेजर करता है। और फ्लो लेआउट क्या मैनेज करता है, ये कंपोनेंट की प्लेसेस मैनेज करता है कि जो अब ये वाली पिक्चर है ये क्या इस लेआउट से बाहर तो नहीं जा रही। ये फ्लो आउट मैनेजर, फ्लो लेआउट मैनेज करता है। द फ्लो लेआउट मैनेजर प्लेसेस द कंपोनेंट इन अ रो एंड व्हेन द रो इज फुल इट इज ऑटोमेटिकली स्प्रेड द कंपोनेंट ऑन टू द नेक्स्ट रो। कभी भी ऐसा नहीं करता कि ये वाली इमेज जो है वो नेक्स्ट पेज से बाहर ही चली जाएगी और नजर ही नहीं आएगी लोगों की वेबसाइट। हमेशा वो खुद फ्लो कंट्रोल करता है, देखता है कि यहाँ पर स्पेसेस अवेलेबल हैं या नहीं, इफ नहीं तो वो यहाँ पर नीचे उनको पेस्ट कर देता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर के क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फ्लो लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कंटेंट में ऐड कर दिया लेआउट फ्लो का और वो गेट हो गया। लेआउट मैनेजर की हेरिस्टिक्स ये है कि वो नल को किस तरह मैनेज करता है, फ्लो लेआउट कैसे मैनेज करता है, ग्रिड लेआउट में ऐसे आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर लेआउट में जो मैंने आपको एग्जांपल दी 5 कंपोनेंट ऐसे गेटर होते हैं, कार्ड लेआउट भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी विंडो का वो इस तरह नजर आएगा, ग्रिड बैक लेआउट आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि हाफ ग्रिड है और बाकी जो है उस जगह पर ग्रिड नहीं है। इट सिंपली लेज आउट द कंपोनेंट फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द रोज। अब आपने अगर ये 4-5 बटन बनाए थे और आपको पता है ये 5वां बटन जो है वो मेरे विंडो साइज से बाहर जा रहा है तो फ्लो लेआउट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इनको एडजस्ट कर देगा इस तरह के वो विंडोज के अंदर सारे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ग्रिड लेआउट में क्या होगा, 3 या 4 बटन है वो ग्रिड की फॉर्म में आपको नजर आएंगे मगर रहेंगे कहाँ, विंडोज के पैन के अंदर। ये जो बेटे स्लाइड है आप रीड कर लेंगे सारी, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई जो मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज योर लैब टास्क, आपने क्या करनी है, एक विंडो क्रिएट करनी है, उसकी बाउंड स्पेसिफाई करनी है और उसको डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन लगाना है, उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, उसका कर्सर का स्टाइल सेट करना है और उसमें 2 बटन ऐड करने, एक रेडियो बटन और एक सैंपल बटन। ये सेम कोड जो मैंने आपको पीछे लेक्चर में लिख के दिया है और एक्सप्लेन किया है सेम वैसे ही आपने क्रिएट करना है। सिर्फ जो नई 2 चीज़ें ऐड करनी है वो आपने क्या कर लेना, एक बटन ऐड कर लेना और एक रेडियो ऐड कर लेना। ये बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें से GUI वाले कंपोनेंट में तो वो मुझसे कर सकते हैं, मेरे लेक्चर के नीचे जो आप कमेंट हैं उधर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या जिस तरह इजीली आपको अवेलेबल है आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।